अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। सो टुडे इज़ द डे जब मैं लाहौर जा रही हूँ और मेरा वाइवा है कल। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आप लोगों ने। और आज मैं शुरू में बोल दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और मुझे बता दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तब भी, अगर बुरी लग रही हैं तब भी कमेंट के ज़रिए बता दिया करें। अच्छी लग रही हो तो लाइक भी दे दिया करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मोटिवेटेड लग रही हो आपको, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर लिया करें, राइट। तो आज लाहौर जाना है मैंने वापस, कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं जा रही। तो वाई वाई कल मेरा, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। आई डोंट नो क्या करूं मैं, अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। खैर जो भी है देखते हैं। बस बस वो चोट लग गई मुझे इतनी ज़ोर से, बहुत पेन हो रहा है। अमन डेवो टर्मिनल, डेवो एक्सप्रेस, लाहौर जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हुई हैं। सामान ना ना करते भी इतना सारा सामान हो गया। अच्छा मेरे बच्चों की कुछ चीज़ें ली थी वो हैं, ज़्यादा सामान नहीं होना था, लेकिन ये वाला बैग एक्स्ट्रा हो गया एक, पर क्योंकि इसमें बच्चों का सामान है उसमें सारा मेरा कुछ गर्मियों के कपड़े हैं सारे वापस रखने हैं, फिर वहाँ से सर्दियों के कपड़े जो हैं वो लेकर आने हैं। तो ये लड़का पता करने गया है कि कब तक है, बस सामान वगैरह लोड जो है वो कर लें, जाके बैठ जाएं, सेटल हो जाएं। फिर 12 बजे का कह रहे हैं, 12 बजे आएगी। 12 बजे आएगी अभी जी, क्या कह रहे हैं? 12 बजे आएगी। 12 बजे आएगी जी, 8-9 मिनट रहते हैं। चलो ठीक है, आती है तो फिर सामान वगैरह लोड कर लें। आज हम वापस लाहौर जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग अलोन। कितने घंटे का सफ़र होगा ये तो पता नहीं, अभी जाऊँगी तो पता चलेगा। मेरे साथ कौन बैठेगा? आई थिंक वो मेरे साथ में खड़ी है, वो शायद बैठेंगी मेरे साथ में। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, मेरे सर का दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। कंफर्टेबली जो है वो हॉट पॉन्च खेल रहा हॉट पॉन्च की आपसे बात होती है। वैसे मैं देखूँ मैं जो जाते रहेंगे ना फिर उसके साथ साथ में 12:15 बजे की हमारी बस जो है वो निकल गई है। 12:09 हो रहे हैं, मेरे साथ जो आए थे मैंने उनको वापस भेज दिया कि आप चले जाओ ऑफिस, तो देखो क्या होता है। अगर मेरे पास सफ़र जो है ना वो मेरा अच्छा गुजर जाए, बहुत अच्छा गुजर जाए। मेरे सफ़र में आपको साथ साथ रखूँगी ताकि आपको बताती रहूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें पूरी कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने ये जाते हुए अपना बैग उठाना है, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, जो कि बहुत ही वर्स्ट होगा मेरे लिए अगर मैं भूल जाती हूँ अपना बैग यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे उठा के इधर अपने पास में रख लेना चाहिए ताकि मुझे याद रहे बस मैंने अपना बैग उठाना है, तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें भूल जाती होती हूँ। जो है वो चल पड़ी है, देखो कितने बजे तक लोग पहुँचते हैं। मैं पूछती हूँ भाई कितना टाइम लगेगा, मुझे इतना आइडिया है नहीं कुछ।
तो अभी इस वक्त हम लोग कबीर वाला पहुँचे हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया था, 2 बज गए हैं आई थिंक, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। अब यहाँ से कहाँ पे स्टे होगा आई हैव नो आइडिया, देखते हैं। मैंने सोचा बस में क्यों नमाज़ पढूं, मैं यहीं पे पढ़ के निकलूं, अभी ये लोग यहाँ पे थोड़ा स्टे कर रहे हैं, तो आई रियली हैव नो आइडिया, पर जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ के निकलती हूँ मैं। फिर After 2 months, I'm again in my room. स्मेल आ रही है पता नहीं कहीं की। हाय, I'm again in my room. ओह, इसी भी नहीं लगाया, बेचारे को कवर करना था। चलो अगली बार मैं कर लूँगी, खुद ही कवर कर लूँगी। मेरा बेड। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माय रूम, अभी पहुँची, अभी 5:30 हो रहे हैं। जोर पड़ रही थी जब मैं मेरी नमाज ही बीच में छोड़नी पड़ गई मुझे, बस वाले ने टाटा शुरू कर दी थी, तो असर भी रास्ते में निकल गई और मगरिब भी 5:30 हो गए।
अब पहुँची हूँ घर पे मैं 4:20 पे लाहौर जो है वो हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ जो हूँ मैं घर पे पहुँची हूँ 1 घंटे के बाद। आई एम टायर्ड नाउ, और ऊपर से मेरा वाइवा भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। ये चादर यहाँ पे नहीं डालनी थी, आई डोंट लाइक दिस चादर टू बी हेयर। खैर अम्मी ने डाल दिया है, करते हैं चेंज इसको भी, या फिर अम्मी ने डाली है तो रखे देते हैं ऐसे ही, है ना। सो अबू लेने आ गए थे रिक्शे में, और वहाँ से रिक्शे में बैठ गए। अल्लाह कमर टूट गई मेरी बहुत ही कमर टूट गई है फाइनली। मैंने सोचा आपको बादल दिखा दूँ मेरे रूम के, कि ये मेरे रूम के बादल हैं जो ना गरजते हैं ना ही बरसते हैं, बस ऐसे ही रहते हैं। वॉट आई थिंक इज़ मेरे रूम की खिड़की खुली खुली लग रही है मुझे, पता नहीं, मैं देखती हूँ अभी। ओके कहाँ भाई साहब, निकलो, डोंट मिसअंडरस्टूड भाई साहब, मैं बेल्ट निकाल रही थी। जिनको लंबर्स का इशू होता है वो बेल्ट्स के बगैर चल ही नहीं सकते हैं भाई साहब। लो अब जितने भी दिन रहती हूँ लाहौर में, देखती हूँ लाहौर किस तरह से मुझे ट्रीट करता है। लाहौर से तो नाराज़ियाँ थी नहीं, बस अम्मी जो है वो बना रही है मेरे लिए नींबू पानी, और फिर मैं बताती हूँ, उनसे भी मिलवाती हूँ आपको कि उनको कैसा लग रहा है आफ्टर 2 मंथ्स मुझे देख के, है ना। तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में फ्रेश होके।